जी अस्सलाम वालेकुम, अब आवाज आ रही है? क्लियर है आप? ठीक है जी, ठीक, थैंक यू। सी तो ये जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, ये सारे वहीं से लिंक करते जाएंगे, अनलिमिटेड वांट से और लिमिटेड रिसोर्सेस से। सही, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है क्या चीज? अच्छा, ये बात याद रखें कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हम दो गुड्स पढ़ेंगे, ठीक है, और दो गुड्स का कंबिनेशन पढ़ेंगे, दो गुड्स के मुख्तलिफ कंबिनेशन उठाएंगे, ठीक है, कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको यूटिलाइज करके हम दो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, और उन दो गुड्स में से हम कोई भी कंबिनेशन उठा सकते हैं अपने मर्जी का। अभी इंशाल्लाह जब हम टेबल पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास याद रखें दो गुड्स होंगे, दो गुड्स का हम कोई भी कंबिनेशन उठा सकते हैं, ठीक है, और हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्स हैं, हाँ ये याद रखें कि उसमें टेक्नोलॉजी चेंज ना हो, टेक्नोलॉजी में चेंज ना आए। अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आएगी तो फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की इम्प्लीकेशन फिर थोड़ी सी खराब हो जाएगी, फिर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है क्या चीज? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारे पास है, आल्सो नोन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, याद रख के, किसी भी नाम से सवाल आ गया, ठीक है ना, किसी भी नाम से सवाल आ गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से, ये एक ही चीज के दो मुख्तलिफ नाम है, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट क्या क्या ये एक ग्राफ है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एक ग्राफ होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम कंबिनेशन ऑफ टू अल्टरनेटिव गुड्स इन इकोनॉमी दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द अवेलेबल रिसोर्सेज, कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे उनमें से हम दो गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, और उन दो गुड्स में से हम कोई भी मैक्सिमम कंबिनेशन अपनी मर्जी का उठा लेंगे विद इन द गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये कि आपके पास टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहे, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज ना आए। ये क्या, क्यों चेंज ना आए, इंशाल्लाह ये हम बाद में पढ़ेंगे। यहां तक थोड़ी सी डिफिनेशन क्लियर है? अब इंशाल्लाह जब हम टेबल डायग्राम करेंगे तो मजीद क्लियर हो जाएगा। तो यहां से हमने दो बातें सीखी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं, इनमें से हम दो गुड्स को उठाएंगे, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे उनमें से हम दो गुड्स को उठाएंगे, और उन दो गुड में से कोई भी कम्बिनेशन हम ले लेंगे, ठीक है। अभी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, आगे जब पढ़ेंगे डिफिनेशन क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह, अब हम आगे जाएंगे। जी यहां तक कोई सवाल? अभी तक इतना सीखे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, दो गुड्स की स्टडी करेंगे हम इसमें, और उनमें से हम कोई भी कम्बिनेशन उठाएंगे, दो गुड में से कोई भी कम्बिनेशन, ठीक है जी। यहां तक कोई शक, एनी डाउट तो काइंडली पूछें, इंपॉर्टेंट टॉपिक से आज हम सिर्फ ये पढ़ेंगे, ठीक है ना इंशाल्लाह। तो मैं कहता हूँ कि यह फिर तकरीबन 7 मार्च तक सवाल आ सकता है, अभी पढ़ेंगे दो गुड्स की आप कोई भी कॉम्बिनेशन उठा सकते हो, अभी दो गुड्स की एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, अब दो बातें, डायग्राम पढ़ते हैं अभी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स के दो करेक्टरिस्टिक्स हैं या टू प्रॉपर्टीज, एक तो ये स्लोपिंग डाउनवर्ड होगा, सही है जी, रिपीट हो जाएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह, अभी जब हम टेबल डालें तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा डिफिनेशन को, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, लेकिन इतना याद रख के अभी तक कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, दो गुड्स की हम स्टडी करेंगे और दो गुड्स का कोई भी कंबिनेशन हम उठा लेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी वो अलग सवाल पूछ जाते हैं कि यार व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, तो एक तो ये स्लोपिंग डाउनवर्ड होगा, स्लोपिंग डाउनवर्ड का मतलब ये कि ये ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा, स्लोपिंग डाउनवर्ड, ये स्लोपिंग अपवर्ड नहीं है, स्लोपिंग डाउनवर्ड है, ये याद रखें कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड होगा, ये ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा, पहला पॉइंट क्लियर है जी।
दूसरा पॉइंट कि ये कनकेव टू द ओरिजिन होगा और इनके रीजन भी नीचे लिखे हैं ये, ठीक है ना। तो जब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि यार दो करेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं, तो आपने लिखने के सर इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, ठीक है, और दूसरा आपने लिखने के सर इट इज कनकेव टू द ओरिजिन। फिर आपने रीजन देनी है कि ये क्यों स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है और ये क्यों कनकेव टू द ओरिजिन होता है। क्लियर, मैं बताता हूं अभी आप लोगों को। क्लियर, तो दो हो गई आपके पास करेक्टरिस्टिक्स। क्लियर है जी यहां तक। अब ये क्यों स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है, मैं टेबल करके ना आपको समझा देता हूं। पहले टेबल कर लेते हैं फिर डायग्राम कर लेंगे, टेबल से डायग्राम बनता है। सही जी, अब देखें, अब आप लोगों ने पूछा ना सर कोई एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास पॉइंट्स या इधर आप लिख सकते कंबिनेशन, ठीक है जी, एक्स ए बी वाई आप ए बी सी भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, पॉइंट्स की जगह आप कंबिनेशन भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये है गुड ए, सही है जी, ये आपके पास है गुड ए, और ये है आपके पास गुड बी। गुड ए से आप ले सकते हैं एप्पल, ठीक है, और गुड बी से आप ले ले बनाना, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है इकोनॉमी के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, उसमें या तो हम गुड ए प्रोड्यूस करेंगे या गुड ए भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और गुड बी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम एप्पल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम बनाना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप एप्पल या बी से बुक्स ले लें, आप राइस या आप टेक्नोलॉजी कोई और इक्विपमेंट ले लें, ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, लेकिन हम सिंपलिसिटी रख देते हैं ना, ठीक है। सो गुड ए है और गुड बी। अब देखें एक्स कंबिनेशन, अगर हम इकोनॉमी के अंदर सिर्फ गुड ए प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि रिसोर्सेज की किल्लत है, तो हम बी गुड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। अगर हम गुड ए के 10 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो हम गुड बी का कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि सारे के सारे रिसोर्सेज गुड ए पर लग जाएंगे। क्लियर जी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमारे पास गुड ए भी प्रोड्यूस्ड हो और गुड बी भी प्रोड्यूस हो, तो देखें अगर हम दो यूनिट सेक्रीफाइस कर लेते हैं, देखिए इधर मैंने 10 की जगह 8 प्रोड्यूस किए, तो मैंने क्या कर लिया, मैंने दो यूनिट सेक्रीफाइस किए, दो यूनिट मैंने सेक्रीफाइस किए ना। अब मैं गुड ए के 10 यूनिट नहीं बनाता, मैं गुड ए के 8 यूनिट प्रोड्यूस कर लेता हूं, तो मैंने गुड बी के कितने यूनिट प्रोड्यूस कर लिए, 18, ठीक है। मैंने जब दो यूनिट की सेक्रीफाइस कर ली, मैंने फॉरगॉन कर लिया मैंने अपॉर्चुनिटी का, तो मैंने गुड बी के 18 यूनिट प्रोड्यूस किए। जब मैंने मैंने कहा नहीं भाई मैं मजीद 3 फॉरगॉन कर लेता हूं, मैं गुड ए के 3 मजीद यूनिट फॉरगॉन कर लेता हूं, तो इधर मैंने क्या किया, मैंने 3 यूनिट मजीद सेक्रीफाइस किए, ठीक है, तो मैंने एडिशनल यूनिट कितने हासिल किए, 11, ठीक है। पॉइंट बी पे जब मैंने मजीद 3 यूनिट फॉरगॉन कर लिए, मैंने अपॉर्चुनिटी कास्ट कर ली, तो मैंने 11 यूनिट्स मजीद हासिल कर लिए। क्लियर। इधर देखें जब मैंने कहा यार मैं गुड ए का कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है, तो मैंने कितने यूनिट प्रोड्यूस कर लिए गुड बी के, 30, तो देखो मैंने इधर कितने सेक्रीफाइस कर लिए, 5, जब मैंने 5 सेक्रीफाइस कर लिए तो मैंने इधर 11 यूनिट्स मजीद प्रोड्यूस कर लिए जी। इस टेबल में अब आप सवाल पूछे, अगर समझ नहीं है तो मैं दोबारा समझा लेता हूँ, इस टेबल को समझना है भाई, इससे फिर करैक्टरिस्टिक भी निकलेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन और डायग्राम भी निकलेगा। देखें रिपीट करता हूँ, फिर रिपीट करता हूँ, खैर 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 एक रिपीट कर लेता हूँ फिर शुरू से सब देखें भाई। देखें एक्स पॉइंट पे या एक्स कम्बिनेशन पे, इसको कम्बिनेशन भी कहते हैं, ठीक है, मैंने गुड ए के 10 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, तो भाई मेरे पास रिसोर्सेस की किल्लत है ना, जब मैं सारे के सारे रिसोर्सेस गुड ए पे लगा लूंगा तो गुड बी को मैं प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे सारे के सारे रिसोर्सेस गुड ए पे लग गए, सो मैं गुड बी का
कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि रिसोर्सेस की किल्लत है। सही है जी, जिसको पॉइंट एक्स में मसला था उसको कोई शक, जब मैंने सारे के सारे रिसोर्सेज गुड ए पे लगा लिए तो मैं गुड बी को तो प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास तो रिसोर्सेज खत्म हुए। मेरे पास इतने रिसोर्सेज थे जिसमें मैंने 10 यूनिट गुड ए के प्रोड्यूस कर लिए। क्लियर, पॉइंट एक्स में कोई इशू। जी पॉइंट एक्स में काइंडली कोई इशू। अब जी क्लियर है पॉइंट एक्स, कॉम्बिनेशन एक्स क्लियर है। आता हूं लेकर जी सर। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, पॉइंट एक्स में इशू नहीं। अब देखिए मैंने कहा कि नहीं भाई मैं गुड ए के सारे यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं करता। पॉइंट ए को देखें आप, मैं कहता हूं कि मैंने गुड ए के 8 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। जब मैंने गुड ए के 8 यूनिट प्रोड्यूस किए तो मैंने 2 यूनिट्स की सेक्रीफाइस कर ली। इधर मैंने गुड ए की कुर्बानी दी 2 यूनिट्स की। अब मैं 10 की बजाय 8 को प्रोड्यूस करता हूं। सही है जी, उधर मैंने गुड बी के फिर 18 यूनिट प्रोड्यूस कर पाऊंगा क्योंकि गुड ए के कुछ रिसोर्सेज गुड बी की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। अब मैं उन डाइवर्टेड रिसोर्सेज में जो अभी मैंने 2 प्रोड्यूस नहीं किए उन रिसोर्सेज मैंने गुड बी की तरफ डाइवर्ट किए तो उधर मैं 18 यूनिट गुड बी के प्रोड्यूस कर पाऊंगा। तो इधर मैंने 2 यूनिट की सेक्रीफाइस करके फॉरगॉन करके अपॉर्चुनिटी कास्ट करके मैंने उधर 18 यूनिट को गुड बी के प्रोड्यूस कर लिए। जी एक्स और ए पॉइंट्स में कोई मसला भी टेबल क्लियर होगा तो इंशाल्लाह डायग्राम में इशू नहीं आएगा। एक्स और ए पॉइंट्स में कोई इशू। कोई इशू नहीं है। ठीक है ठीक है, अब आ जाते हैं पॉइंट बी या कॉम्बिनेशन बी की तरफ। आप पॉइंट्स की जगह कॉम्बिनेशन भी लिख सकते, कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सही है जी, देखें इधर मैंने अब 8 की बजाय मैं 5 यूनिट को प्रोड्यूस करता हूं तो मैंने 3 यूनिट्स की सेक्रीफाइस कर दी। जब मैंने 3 यूनिट की सेक्रीफाइस कर ली तो अब मैं कितने यूनिट प्रोड्यूस कर सकता हूं? 29। लेकिन 29 में से तो पहले मैं ऑलरेडी 18 प्रोड्यूस कर चुका हूं पॉइंट ए पे, तो अब मैं टोटल 29 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता हूं। जब मैं 29 यूनिट प्रोड्यूस कर पाऊंगा तो मैं एडिशनल यूनिट कितने प्रोड्यूस कर पाऊंगा? 11। ठीक है जी, तो देखें उधर मेरे पास यूनिट्स कम हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं इधर क्या कर लूंगा? 29 यूनिट प्रोड्यूस कर पाऊंगा। सही, 3 यूनिट्स की सेक्रीफाइस करके मैं 29 यूनिट को प्रोड्यूस कर पाऊंगा। तो देखिए यहां से यूनिट्स कम हो रहे हैं लेकिन इधर यूनिट्स बढ़ रहे हैं। उधर मैंने 3 यूनिट्स की सेक्रीफाइस करके मैं एडिशनल यूनिट कितने प्रोड्यूस कर पाऊंगा? 29। सही है जी। ठीक है, पहले मैं 10 प्रोड्यूस कर रहा था तो गुड बी का कोई भी नहीं, फिर मैं 8 प्रोड्यूस कर रहा हूं 2 की सेक्रीफाइस करके तो फिर मैंने एडिशनल यूनिट 18 प्रोड्यूस किए। फिर मैंने जब 3 की सेक्रीफाइस कर ली तो फिर मैं एडिशनल यूनिट कितने प्रोड्यूस कर रहा हूं? 29। ठीक है, क्लियर है जी। इधर भी ये देखिए लिखा है ना, सही है। अब ये देखें, लेकिन 29 तो मैं एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं लेकिन ऑलरेडी इसमें 18 इंक्लूड थे तो मुझे कितने का फायदा हुआ? 3 की सेक्रीफाइस करके मुझे एडिशनल 11 यूनिट्स मिले। इन 3 पॉइंट्स में काइंडली कोई इशू। जी काइंडली कोई इशू है इन 3 पहले 3 कॉम्बिनेशन में तो मुझे बता दें। अब कॉम्बिनेशन वाई की तरफ आ रहा हूं, अगर मैं कोई भी गुड यूनिट्स प्रोड्यूस ना करूं, मतलब मैं कहता हूं यार मैं गुड ए की प्रोड्यूस नहीं करता तो मैंने 5 यूनिट्स की वो सेक्रीफाइस कर दी। ठीक है,
लेकिन मैं कितने यूनिट प्रोड्यूस कर पाऊंगा गुड बी के? 30। टोटल मैं 30 प्रोड्यूस कर पाऊंगा, लेकिन जब मैंने ऑलरेडी पांच गुड ए के 5 यूनिट पर 29 प्रोड्यूस कर रहा था, तो इधर मैं कितने कर पाऊंगा? 11। तो कोई मुझे फायदा नहीं हुआ, सही है। तो ये कंबिनेशन इस तरह चलती है। अब आपने सवाल पूछे, शाबाश। देखो पॉइंट वाई पे मैंने कोई यूनिट्स गुड ए का प्रोड्यूस नहीं किया, तो मैं सारे के सारे रिसोर्सेज गुड बी पे डाइवर्ट कर लूंगा, जिसकी वजह से मेरे सारे के सारे गुड बी पे चले जाएंगे और मैं गुड ए का कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा। अब जी क्लियर है कि नहीं? अब आप पूछें, नीचे जरा ये भी पढ़ ले, यू कैन सी हाउ गुड एक्स टू ए। देखें पॉइंट एक्स पे, कॉम्बिनेशन एक्स पे हमने 2 की सेक्रीफाइस कर ली, 2 गुड्स की, तो हमें 18 गुड्स मिले। जब ए से हम बी पे आए तो हमने 3 यूनिट्स की सेक्रीफाइस कर ली और हमें 29 मिले, हमें 29। तो ऑलरेडी पॉइंट ए पे हमें 18 मिल रहे थे, तो एडिशन कितने फायदा हुआ हमें? 11 का। पॉइंट वाई पे हम कोई भी यूनिट गुड ए का प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, सारे के सारे हम रिसोर्सेज हमने गुड बी पे डाइवर्ट करिए, ठीक है। तो हमें जी जी सर वही में गुड एट का एक यूनिट प्रोड्यूस, जी 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 एक यूनिट प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। उधर मैंने 5 सेक्रीफाइस कर लिए, देखिए उधर मैंने, सॉरी ये मैंने 11 लिखे ना, ये एक ही है। इधर मैंने 5 सेक्रीफाइस कर लिए, लेकिन एडिशनल मुझे कितने यूनिट मिले? 1, ठीक है ना, बिल्कुल आप सही समझेंगे। जी 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 बिल्कुल, एडिशनल यूनिट मुझे 1 मिला, जी सही समझे आप। अगर आप इसका रेशियो निकाले ना, जी जी रेशियो निकाले ना, तो इधर क्या है, इधर कोई रेशियो नहीं है, इधर 2:18 है, इधर 3:11 है और इधर 5:1 है। अगर ये मैंने आप लोगों के लिए निकाल भी लिया ना, तो आप अगर इस तरह निकाल भी ले तो कोई मसला नहीं है, क्लियर। कि मैंने 2 सेक्रीफाइस के लिए 18 हासिल किए, फिर मैंने 3 सेक्रीफाइस किए 11 हासिल किए, फिर मैंने 5 सेक्रीफाइस के लिए मुझे 1 मिला, ये 1 है, 1 11 नहीं है भाई। जी अब क्लियर है सर जी? टेबल में कोई मसला सर? जी जी सारे कंफर्म कर ले सारे। नहीं नहीं दोनों इंक्रीज नहीं हो सकते हैं, लेकिन भाई दोनों इंक्रीज नहीं हो सकते हैं क्योंकि रिसोर्सेस की किल्लत है। आप रिसोर्सेस को शिफ्ट करोगे, कभी ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, आप कोई कॉम्बिनेशन उठाओगे ना, क्योंकि रिसोर्सेस की किल्लत है और हमें चॉइस करनी पड़ती है। देखो अपॉर्चुनिटी कास्ट किस टॉपिक, सॉरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अपॉर्चुनिटी कास्टिंग, अपॉर्चुनिटी कास्ट में हमने क्या पढ़ा कि रिसोर्सेज की किल्लत है, आपने रिसोर्सेज को शिफ्ट करना होगा, कभी एक से दूसरे की तरफ, कभी दूसरे से पहले वाले की तरफ, ठीक है जी। जी जी ये इमरान पूछे भाई, नहीं नहीं 50-50 नहीं हो सकते ना भाई, 50-50 नहीं। सर अस्सलाम वालेकुम। 50-50 नहीं हो सकते। देखो अभी अभी 50-50 क्यों नहीं हो सकते, अभी इसकी भी रीजन पढ़ेंगे। जो अब ऊपर हमने प्रॉपर्टीज पढ़े हैं ना कि स्लोपिंग डाउनवर्ड और कनकेव टू द ओरिजिन, तो उसकी रीजन यही है कि 50-50 नहीं हो सकते, अभी अभी क्लियर हो जाएगा जी। टेबल में सवाल पूछे अगर आप, कोई भी कॉम्बिनेशन उठाओ भाई। अगर आपको इकोनॉमी के अंदर आप कहते हो कि यार मुझे ना एप्पल ज्यादा नहीं चाहिए, गुड ए नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो आप वाई कॉम्बिनेशन उठाओ, सही है। अगर आप कहते हो कि नहीं भाई मुझे एप्पल ज्यादा चाहिए, मुझे भाई गुड बी नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो आप एक्स कॉम्बिनेशन उठाओ। आप अगर आप कहते हो कि मुझे गुड ए भी चाहिए गुड बी, तो इनमें से कोई कॉम्बिनेशन उठाओ, सही है जी। तो ये तो डिपेंड कर, देखो आप कोई भी कॉम्बिनेशन उठा सकते हो, लेकिन 2 गुड्स होंगे, सही है जी, गुड्स हमारे पास 2 होने चाहिए। एक ये एक गुड्स को नहीं बताता, ये 3 गुड्स का भी नहीं बताता प्रोडक्शन, ये 2 गुड्स का बताएगा। रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड होंगे और हम कोई भी कॉम्बिनेशन उठा सकते हैं। अब कंफ्यूजन है तो पूछ ले भाई जी।
इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी। अगर ये मेरे ख्याल से लास्ट अटेम्प्ट में नहीं है तो इस दफा इसके चांसेस हैं, क्योंकि इस दफा इकोनॉमिक सिस्टम से सवाल आया था, इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ इस पे कि इम्पोर्टेंट है, 7 मार्च तक सवाल आ सकते हैं। आगे जाएं फिर, आगे मूव करें। जी जी बिल्कुल, इधर हमने फाइव सेक्रीफाइस करे, जब हम पॉइंट बी कॉम्बिनेशन बी से वाई की तरफ आए तो हमने 5 का सेक्रीफाइस करके अपॉर्चुनिटी कास्ट करके हमने सिर्फ एक ही अचीव किया, ठीक है, हमें कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आपको गुड बी बहुत पसंद है, ठीक है, किसी भी इकोनॉमी की गुड बी की जरूरत है, ठीक है ना, तो आप वो कर सकते हो, गुड बी उठा लो। आप गुड ए की जगह फूड और गुड बी की जगह बुक्स भी लिख सकते हैं, कोई मसले नहीं है, लेकिन आप सिंपल रखें ना, एक चीज आपके पास सिंपल है तो बस पेपर में पेपर पास करना है ना भाई, हमारा तो मेन काम है पेपर पास करना, तो इंशाल्लाह बस सिंपल रखें, क्यों कॉम्प्लिकेशन पैदा करते हैं भाई। अब क्लियर है, चलो आगे चले प्रॉपर्टीज की तरफ। अब प्रॉपर्टीज की तरफ आओ दोबारा, जरूरी नहीं कि आप उधर आपने सेक्रीफाइस किया इमरान, उधर आपने सेक्रीफाइस किया इधर आप ज्यादा हासिल करोगे। इसकी मैं आपको रीजन बताता हूँ कि ये कंकेव टू द ओरिजिन क्यों होते हैं, ये इसी रीजन की वजह से, कि जरूरी नहीं कि आपने उधर ज्यादा सेक्रीफाइस किया इधर आप ज्यादा गेन कर लोगे, ये जरूरी नहीं है भाई। ये क्यों? क्योंकि ये कंकेव टू द ओरिजिन होता है, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर कुछ रिसोर्सेस ऐसे होते हैं कि वो गुड ए को अच्छी तरह प्रोड्यूस करते हैं, और इकोनॉमी के अंदर कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं कि जो गुड बी को अच्छी तरह प्रोड्यूस करते हैं। तो आपने इधर 5 सेक्रीफाइस कर लिए, तो अगर इधर आपने 5 सेक्रीफाइस कर लिए तो ये जरूरी नहीं कि इधर आपका इंक्रीज आना चाहिए, शायद वो रिसोर्स जो आपने इधर से इधर डाइवर्ट किए हो वो गुड ए को अच्छी तरह प्रोड्यूस कर रहे थे और गुड बी को अच्छी तरह प्रोड्यूस ना कर रहे हो, वो अच्छे थे गुड ए को प्रोड्यूस करने के लिए, एफिशिएंट थे, इधर वो रिसोर्स एफिशिएंट नहीं है कि वो उसी एफिशिएंसी से गुड बी को भी ज्यादा प्रोड्यूस कर ले। अब क्लियर है इमरान, इसलिए कनकेव टू द ओरिजिन है। Most welcome, यार, कोई मसला नहीं। अब आए देखें, स्लोपिंग डाउनवर्ड क्यों होता है? क्या हम गुड ए के सैक्रिफाइस कर रहे हैं? गुड देखो कम हो रहा है ना, गुड ए की यूनिट, तो स्लोपिंग डाउनवर्ड इधर हो रहा है ना, ठीक है, क्या हम गुड ए की यूनिट सैक्रिफाइस कर रहे हैं? इधर भी लिखा एग्जामिनर ने, यार ये टाइम रनिंग आउट, फिर चलो फिर रिकनेक्ट कर ले यार, ये रिक्वेस्ट है यार, ये मैं समझा ये इशू सिर्फ मुझे, लेकिन ये सारे टीचर्स का ये इशू है, तो काइंडली अगर दोबारा भी रिकनेक्ट किया करें, सही है जी, ठीक है, ताकि आपकी अटेंडेंस भी लग जाए और आप पूरा क्लास भी अटेंड कर ले, ये सब टीचर्स को इशू, मैंने कहा शायद मुझे ये इशू है, ठीक है। अब देखो स्लोपिंग डाउनवर्ड क्यों होता है, उसकी रीजन उसने खुद लिखे हैं और आप लोगों ने भी यहीं से समझना है, क्योंकि 4 नंबर का सवाल आ जाए ना तो फिर आपने उसकी रीजन भी लिखने होंगे कि इंक्रीज इन वन यूनिट, जब हम एक गुड्स के ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब हम गुड बी के ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें गुड ए के यूनिट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, हमें गुड ए के यूनिट्स को रिड्यूस करना पड़ेगा। सो इंक्रीज इन गुड बी, जब हम गुड बी के ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें गुड ए के यूनिट्स को कम करना पड़ेगा। जी जी आप हम नीड्स को देखेंगे ना, सोसाइटी की नीड्स को देखेंगे, बिल्कुल सही समझे आप, सही जी। तो स्लोपिंग डाउनवर्ड की रीजन यही है कि जब हमने गुड बी के यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करने तो हमें गुड ए के यूनिट्स को डिक्रीज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है। और कनकेव टू द ओरिजिन ये इसलिए होता है कि इकोनॉमी के अंदर कुछ रिसोर्सेज ऐसे होंगे जो कि गुड ए को इफिशियंटली प्रोड्यूस करेंगे, और इकोनॉमी के अंदर कुछ रिसोर्सेज ऐसे होंगे जो कि गुड बी को इफिशियंटली प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि हमने गुड ए के ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस किए तो हम गुड बी के भी ज्यादा यूनिट्स को गेन करेंगे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये कनकेव टू द ओरिजिन इसलिए होता है कि जब हमने गुड ए के यूनिट सेक्रीफाइस किए तो गुड बी के यूनिट्स को ज्यादा गेन
करना जरूरी नहीं कि ये ज्यादा हम गेन कर लेंगे. ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स में कोई मस्त जरा जल्दी जल्दी पढ़ भी ले यार ये गुड और गुड भी इसके रीजन जरा पढ़ भी रहे, वही बात है जो हमने की. ठीक है शाबाश, जल्दी जल्दी पढ़ भी रहे और अपने अपने सवाल भी टाइप करते जाएं, जिनका कोई सवाल हो तो वो भी टाइप करते जाएं. ठीक है, तो दो करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, स्लोपिंग डाउनवर्ड एंड कनकेव टू द ओरिजिन. स्लोपिंग डाउनवर्ड इसलिए कि जब हम गुड बी के ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें गुड ए के यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. क्लियर. और कनकेव टू द ओरिजिन इसलिए कि इकोनॉमी के अंदर कुछ रिसोर्सेज गुड ए को इफिशियंटली प्रोड्यूस करते हैं और कुछ रिसोर्सेज गुड बी को इफिशियंटली प्रोड्यूस करते हैं. अगर हम गुड ए को सैक्रिफाइस करेंगे तो ये जरूरी नहीं कि हम गुड बी के ज्यादा यूनिट्स को गेन कर पाएंगे. जी बी बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप, बिल्कुल सही समझे आप. ठीक है, और यार ये आप खुद अभी मैथ्स पढ़ कर अब ठीक है ना, कन्वेक्स इस तरह होता है, इस तरह कोई शेप होती है इसकी ना, और कनकेव इस तरह. ठीक है ना, तो कनकेव का भी मैंने आपको रीजन बता दिया. जी जी यहां तक कोई सवाल? तो डिफिनेशन अब क्लियर है ना कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ टू अल्टरनेटिव गुड्स इन इकोनॉमी, कि दो गुड्स को हम पढ़ेंगे जो कि हमने अवेलेबल रिसोर्स में प्रोड्यूस किए और टेक्नोलॉजी हमारे पास कांस्टेंट रहे, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी कांस्टेंट ना रहेगी तो फिर हमारे पास ये एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, उसकी रीजन भी हम पढ़ते हैं क्योंकि इफिशियंसी में इंक्रीज आ जाता है जिसकी वजह से ये फिर एप्लीकेबल नहीं होगा. आगे जाएं फिर जी, डायग्राम की तरफ जाएं. जी जी किसी का कोई सवाल? जी अहमद, हमजा, हैदर, इकरा, काइंडली किसी का अदील, किसी का नाम ना भी लिया हो तो काइंडली पूछे. शाबाश सबा. ठीक है साकिब जी, शाबाश पूछे. चलो ठीक है, अब देखो डायग्राम की तरफ आ जाते हैं. अगर आप उसी टेबल को अपने सामने रखेंगे ना तो देखे उधर हमने 10 यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया, सही है जी, तो हमने 18 हासिल किया है. ठीक है जी, फिर इसी तरह हमने 5, ठीक है, तो हमने 29, और फिर इस तरह अगर हमने कोई भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं किया तो फिर हमने 30. आप काइंडली उस टेबल को घर में सामने रखें, डायग्राम को ड्रा करें, क्योंकि आपकी ड्राइंग स्किल अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि स्पेशली माइक्रो इकोनॉमिक्स में MI के साथ जो मैं कह रहा हूँ इसमें डायग्राम थोड़े से ज्यादा है, मैक्रो में भी है लेकिन उसमें कम है, लेकिन माइक्रो में तो काइंडली इस पर आप प्रैक्टिस करें तो पेपर में कोई इशू नहीं आएगा. सही है जी, तो देखें इधर था हमारे पॉइंट पॉइंट एक्स, हमने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे गुड ए के, हमने एप्पल, ठीक है ना, गुड ए और गुड बी फॉर बुक्स, या आप बनाना भी लिख सकते कोई मसला नहीं. ठीक है जी, आप सिर्फ इधर गुड ए भी लिख सकते इधर गुड बी में कोई इशू नहीं. तो वर्टिकल एक्सेस, ये हमारे पास जो एक्सेस है ये वर्टिकल एक्सेस है और ये हमारे पास हॉरिजेंटल एक्सेस है, इसको वाई एक्सेस भी कहते हैं और इसको एक्स एक्सिस भी कहते हैं. तो देखें जब मेरे पास इधर था 0, मैंने गुड बी का कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं किया, तो इधर मैंने गुड ए के 10 यूनिट प्रोड्यूस किए और मैंने इसको दिया नाम कॉम्बिनेशन एक्स का. फिर इसी तरह जब मैंने 8 यूनिट प्रोड्यूस किए, मैंने दो सेक्रीफाइस कर लिया, जब मैंने 8 यूनिट प्रोड्यूस किए तो फिर मैंने 18 यूनिट्स गुड एक्स के, तो इधर देखो डिक्रीज आया 2 यूनिट्स का, इधर 18 का इंक्रीज. इसी तरह जब मैंने मजीद 3 डिक्रीज किए, जब मैंने 5 यूनिट्स एप्पल के प्रोड्यूस किए तो मैंने 29 यूनिट्स गुड बी के प्रोड्यूस करें और इसको मैंने कहा कॉम्बिनेशन बी. जब इसी तरह मैंने कोई भी यूनिट गुड ए का प्रोड्यूस नहीं किया तो इसी तरह मैंने गुड वाई के 30 यूनिट्स, तो इसलिए ये स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है कि जैसे जैसे मैं गुड ए के यूनिट डिक्रीज करता जाता हूं तो गुड बी के यूनिट्स इंक्रीज होते जाते हैं. अब ये क्लियर है कि नहीं? सी, और ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास एक फेंस, एक बाड़ है, ठीक है, एक बाउंड्री है जिससे आगे हम नहीं जा सकते. ठीक है, ये हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और इसी अवेलेबल रिसोर्सेज, ये जो ये इसी अवेलेबल रिसोर्सेज में हमने कोई भी कॉम्बिनेशन उठाना है, ये कॉम्बिनेशन उठाओ भाई, आपने ये कॉम्बिनेशन उठाओ,
आप ये कॉम्बिनेशन उठाओ या आप ये कॉम्बिनेशन, अपनी जरूरत के मुताबिक कोई भी कॉम्बिनेशन आप उठा सकते। अगर आप काती पीती कौम से ताल्लुक रखते हो, किताबों का कोई शौक नहीं जिस तरह हम लोग हैं माजरत के साथ, जी 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 आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। ये ऊपर वाला ये बताता हूँ, अभी ये बताता हूँ ना भाई, थोड़ा सा सबर करें, ये पॉइंट भी बताता हूँ ना, अभी ये पॉइंट भी बताऊंगा, ये ऑब्जेक्टिव्स में आ चुके हैं आप लोगों के, अभी थोड़ा सा सबर करें, सिर्फ इस लाइन पे फोकस करें आप। ठीक है जी, आप टेबल में कोई भी वैल्यू ले, लेकिन आप वैल्यू इस तरह पे ले के आप कि ये डिक्रीज हो रहे हैं और ये इंक्रीज हो रहे हो ना, लेकिन इंक्रीज भी वो कम रेशियो के साथ। ठीक है, पहले 18 फिर 11, ठीक है ना, तो इस तरह के मैं कोई और टेबल भी आपके साथ शेयर कर लूंगा, कोई मसला नहीं यार, आप उधर से भी देख लो, ठीक है ना, लेकिन ये क्लियर है ना ये पॉइंट्स। ठीक है जी, इस लकीर में कोई मसला, ये पहले वाले ग्राफ में ठीक जी जी ये क्लियर है ना टेबल, और ये यहां तक ये क्लियर है। अच्छा अब आ जाते हैं हम पॉइंट जी की तरफ। देखें ये जो पॉइंट्स है ना, ये हमारे इधर ये हमारे रिसोर्स है ना, हमारे रिसोर्स की एबिलिटी यहां तक है ना, हमारे रिसोर्स की एबिलिटी इस लाइन तक है। इसका मतलब ये कि हम ये कॉम्बिनेशन उठाए या हम ये कॉम्बिनेशन उठाए या हम ये कॉम्बिनेशन उठाए, हम कोई भी कॉम्बिनेशन उठा सकते हैं। लेकिन पॉइंट जी पे अगर मैं 5 यूनिट्स ऑफ गुड ए प्रोड्यूस कर रहा हूं और 18 यूनिट्स में गुड बी के प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो ये पॉइंट मुझे बताता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये कि मैं अपने रिसोर्सेज को इफिशियंटली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, मेरे रिसोर्सेज में इफिशियंसी है कि मैं इधर कोई कॉम्बिनेशन उठाऊ, एक्स कॉम्बिनेशन उठाऊ, ए कॉम्बिनेशन उठाऊ, ये कॉम्बिनेशन उठाओ, बी कॉम्बिनेशन या वाई कॉम्बिनेशन, मेरे रिसोर्सेज में ये एबिलिटी है, लेकिन मैं इधर पॉइंट जी पे खड़ा हूं। तो कहने का मतलब ये कि पॉइंट जी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बता रहा है कि हमें अपने रिसोर्सेज को इफिशियंटली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, मैं एक्स पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, वाई पॉइंट को उठा सकता था, लेकिन मैं इधर जी उठा रहा